हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम इंस्टेंट खमन ढोकला बहुत ही इजी तरीके से। तो आज शाम को मुझे खाने में मन कर रहा था कि ढोकला खाए, तो इसलिए मैंने इंस्टेंट खमन ढोकला ट्राई की हूँ। किस तरह से बनाना है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फूडेज का इंस्टेंट खमन ढोकला मिक्स ली हूँ, बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं किस तरह से बनाना है सभी लिखा हुआ है, तो मैं इसे फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। तो ओपन कर लेंगे पहले और इसे हम कट करके इसमें डाल देंगे। तो एक बॉल ली हूँ और इसमें डाल देंगे हम। यहाँ पर बेसन जैसा कलर लग रहा है मुझे, तो सभी पैकेट को मैं डाल देती हूँ। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, 200 ml मैंने पानी यूज़ की हूँ। और थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, जैसे ही लम्स हमारे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे वरना लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ने लग जाती है। थोड़ा मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो मुझे यहाँ पर 200 ml पानी लग गया है और ये देखे कितना फूल गया है बैटर, लेकिन हमें अभी नहीं बनाना है। इसमें ऑयल डालेंगे हम, 2 tablespoon मैं ऑयल डाल रही हूँ। और फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे हम, और इसे 5 मिनट के लिए हमें ढककर रख देना है साइड पर। इसमें सोडा वगैरह सब डाला होता है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसे मिक्स करना होता है और फौरन इसे बना लें इंस्टेंट। तो ये साइड पर 5 मिनट हो रहे हैं, तब तक हम टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का टिन ली हूँ, आप इसकी जगह कुकर का कोई बर्तन भी ले सकते हो, या फिर भगोने में भी आप इजीली ढोकला बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का टिन ली हूँ, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, कोई भी बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट हो गए, देख लेते हैं हमारा ढोकला प्रीमिक्स। यहाँ पर देखे कितना अच्छे से फूल गया, एक बार इसे मिक्स करेंगे और इसमें बैटर को हमें पोर कर देना है। तो जब भी इंस्टेंट ढोकला बनाना या फिर मन कर रहा हो खाने का, तो इस तरह से बनाए, बहुत ही जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। और आपको होममेड ढोकला की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर से रेसिपी लाऊंगी आपके लिए। यहाँ पर हमारा बैटर हमने इसमें पोर कर लिया है और इसे टैप नहीं करना है हमें। और यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी को बॉयल करने रख दिया था, तो स्टैंड रख दिया है पानी में, 2 glass पानी डालकर और इसमें स्टैंड रख दी हूँ। और पानी को हमने बॉईल ले लिया था, इसमें हम ढोकला को रख देंगे बर्तन और इसको ढक कर रख देना है हमें 20 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा ढकना भूल गई थी, तो आप कपड़ा ज़रूर ढके, क्योंकि जो उसमें पानी जमता है ना ढक्कन के ऊपर, तो उसमें ढोकला में गिरने लग जाता है और गीला गीला सा चिपचिपा सा बन जाता है ढोकला, इसके लिए आप कपड़ा ज़रूर रखें। तो 20 मिनट हो चुके हैं, ढोकले को एक बार चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ देखिए नाइफ़ हमारी पूरी क्लीन आ रही है, ढोकला हमारा पक चुका है, 20 मिनट हो गए, इसे निकाल लेंगे, एक तरफ तड़का बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 tablespoon हमने ऑयल डाला है, जैसे ही गर्म हो जाए इसमें राई डालेंगे 1 चम्मच, तो मुझे राई ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे हम, चीर के कट करके लेंगे इसको। और जैसे ही ये फ्राई हो जाए तो इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे, तो पानी आप ज़्यादा भी रख सकते हो, क्वांटिटी जितना पानी डालोगे आप उतना अच्छा लगेगा ढोकला। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाली हो, थोड़ी चीनी डाली हो, ताकि खट्टा मीठा ढोकला लगे। हरा धनिया डालेंगे, बॉईल लेंगे एक, तो पानी भी हमारा रेडी हो गया है, तब तक ढोकला भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। तो ठंडे में ही हमारा ढोकला निकाले, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्का गर्म है मेरा ढोकला, तो इसे कट करके दिखाती हूँ मैं किस तरह से बनाए। देखे बहुत ही मॉइस्ट बनाए ये देखे, और टेस्ट में भी एकदम परफेक्ट ढोकला था ये, तो इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हो आप। तो पीसेस में हम कट कर लेंगे, मैंने यहाँ पर गोल शेप का ली हूँ, तो आप स्क्वायर में मिल गए आपको टिन, तो स्क्वायर में भी आप ले सकते हो, तो ये जो साइड के पीसेस है ना वो वेस्ट नहीं होंगे। तो इसके ऊपर गरम गरम तड़का डालकर इसे सर्व करें। और ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ढोकला की रेसिपी चाहिए तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।